अरे ओ माय कलवा, डू वर्क फास्टवा फास्टवा सन सिंग सोंगवा। रावी, यो रखा इंग्लैंड? यस मैडम बा, दिस विलेज इंग्लैंड बा, डैडी डिंग डोंग बा। देखा मैडम, यही है वो दोनों बाप बेटे जो है ना जबरदस्ती अपनी बेटी मैम की शादी मेरे साथ करवाना चाहते हैं। आज सुन से। अरे सन इन लॉ, व्हाट यू डू आ हेयर वा सन सिंग सांगवा। अरे डैडी वेट वा, ओ जीज वा, व्हाई दिस लावा पुलिस वा। किस तरह की घटिया अंग्रेजी बोल रहे हैं ये लोग। भैया मुझे तो लगता था कि पूरी दुनिया में सबसे घटिया अंग्रेजी सिर्फ आप बोलते हैं। Well, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो ये बाप बेटे आपसे भी वाहियात अंग्रेजी बोल रहे हैं। Well, मैडम हुआ, हम वाट काट सकते हुआ सन सिंह संग हुआ। अरे डैडी डिंग डोंग बा, लिसन मैडम बा, अरे माय सिस्टर बा लव दिस मैन बा, जस्ट बाद सगाई डन बा, उके बाद मैरिज बा से इनकार करत बा। अरे दिस इज नॉट फेयर बा, डैडी डिंग डोंग बा सन सिंह सांगवा। देखो भाई, ऐसा है कि वो हमारी चौकी में आया था और इस बेचारे व्याकुल प्राणी ने ये रिपोर्ट लिखवाई है कि तुम दोनों बाप बेटे मिलके इसने गधा मना रहे हो। भैया गधा सुन के आप इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? एक्सक्यूज मी, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं शक्ल से लगता हूँ गधा इज्दा, हसीनाएं मरती हैं, ऐसी है मेरी अदा इज्दा। भैया इसे अदा नहीं कहते, बुढ़ापे का ढीलापन कहते हैं। Well, बिल्लू मामा, गोपी मामा, ने गलती होगी मारे से जो आप दोनों ने ले आई यहाँ हमारे साथ। हाँ भाई, पिता और पुत्र, क्यों चीटिंग की तुम लोगों ने इसके साथ? अरे बी नॉट चीटिंग बा, अरे आस्क बा हिम बा, हम प्यार से टोल्ड बा कि लड़की फ्रॉम इंग्लैंड बा एंड दिस विलेज इंग्लैंड बा, फिर काहे का चीटिंग बा डैडी डिंग डोंग बा। तो किस तरह का ये इंग्लैंड है? और आप लोगों ने तो ये भी कहा था ना कि आपकी बेटी मैम है, इंग्लिश बोलती है। आंसू से हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू? नमस्ते मैडम वा, आई एम मैम वा। हाय, एल फॉर लव वा, एच फॉर हार्ट वा। मैडम ये है वो इंग्लैंड की मैम। आंसू से यस वा मैडम वा, मैडम वा हमार इंगेजमेंट वा विद हिम वा, इश मैडम वा हमका मैरिज वा विद हिम वा, वरना नहीं मैरिज वा, एल फॉर लव वा, एच फॉर हार्ट वा, इश। नहीं मैडम नहीं, मैं किसी भी हालत में इस लड़की के साथ तो शादी नहीं करूंगा। हाँ सोचे मैडम वा, इसको अंडरस्टैंड हुआ, अगर इसने शादी से किया रिफ्यूजुआ तो मेमुआ का बदनाम नेशन हैपेंस हुआ, और फिर तो न्यूजीलैंड वाले भी मेमुआ के साथ मैरिज नॉट करवा। न्यूजीलैंड? अरे भैया पड़ोसी विलेजुआ का नाम न्यूजीलैंडवा सन सिंगे संगवा। भैया किस तरह का गांव रखा है, है? ना ई से इंग्लैंड ना बल्कि आई से इंग्लैंड हो रखा है, और बगल के पड़ोस के गांव का नाम भी न्यूजीलैंड से है, तो घना कंफ्यूजिंग चक्कर हो रखा है यहाँ पे। दिस वन भाई, वो जो छोरा है इसने इंडियन ना बल्कि फिरंगी लड़की पे इंटरेस्ट हो रखा है, उससे शादी करनी है इसने, पर यहाँ तो मामले ही देसी हो रखा पूरा। या दिस वन, देख भाई ऐसा है कि वो जो छोरी है ना मन ने तो घनी सुंदर लगे से। या दिस वन, देख जरा शकल भी अच्छी है, कपड़े भी अच्छे पहने हुए हैं। तू एक काम कर, दो तीन दिन सोच विचार कर ले, अपना दिमाग लगा ले, दिल बैठा दे, और फिर कोई प्रॉब्लम हो ना तन्ने तो मन ने बता दियो, फिर सोच लेंगे और सॉल्व कर देंगे थारी प्रॉब्लम। या दिस वन, हाय हाय, ज्यादा हो रहा है। सॉरी सॉरी, हेलो के, एक और फिरंगी दिखाई दिया इलाके में? एक काम करो, फटाफट उसकी सुरक्षा का इंतजाम करो, ऐसा ना हो कि उस छोरी की तरह यो भी गायब हो जाए जिसकी रिपोर्ट हमारे पास पहले से आ गई थी।
ठीक है। यो विदेशी गाय बना होना चाहिए। वो देखो, What a country, beautiful weather. एक और गोरा, देख क्या रहा है? डाल दे उसके पर बोरा। बोरा। चल, 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 तेरे दे चल। जोड़ा नहीं इसको। जाओ से। तेरे बहन, तेरे, तेरे। Motorcycle, better than luxurious cars in the world. So beautiful country and beautiful people. Oh, what are you doing? जीजू, तू ऐसे हंसा मत कर, क्योंकि तू जब जब ऐसे हंसता है मुझे सांप बन के डसता है। जीजू, मैं दवाई लेकर आ गया हूँ, और आज रात को दवाई की पहली खुराक है ना, दीदी आपको अपने हाथ से खिलाएगी, बड़े प्यार से, खचर पचर। अच्छा, क्या 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 मिला दवाई में? क्या क्या मिला है? वही जो आपने मुझसे कहा था, नीम की पत्ती, पीपल के पत्ते, लाल मिर्च, बरगद की छाल, और हाँ वो होते ना करेले के छिलके, वो मेरी तरफ से, खचर पचर। अच्छा, देखा, इसलिए कहते हैं कि साला कितना भी चालू क्यों ना हो जाए, जीजा हमेशा जीजा ही रहता है। मैंने बिना कुछ किए तेरे मुंह से खुद ही उगलवा दिया कि तू क्या कारनामा करके आया है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे वो जहर जैसी कड़वी दवाई नहीं खिला सकती। जीजू, मेरा भी है ना वादा है आपसे, अगर मैंने आपको वो दवाई नहीं खिलवाई ना, तो मैं भी आपका साला नहीं, खचर पचर। जीजा साले में हो रही है क्या बात इसदा, मेरे धोबी के कितने मारी मुझे लात इसदा। बिल्कुल सही किया, काफी होशियार गधा होगा। एक्सक्यूज मी, तुम कर रहे हो मेरा अपमान इसदा, हसीना अगर कटरीना है तो मैं हूं सलमान इसदा। मैडम, हाय, अबे बिल्लू मामा, वो जो मैं कही थी ना आपको डिटेल मंगवाने के लिए, मंगवाई आपने? कौन सी डिटेल्स बेटा? अरे वो मैं कही थी ना कि वो जो छोरी है विदेशी गायब हुई है, उसकी डिटेल चाहिए थी मन्ने। Excuse me, प्लीज, मुझे FIR लिखवानी है, संडे रोज आएगा। अंग्रेज भाई, संडे तो रोज आए ना आए, तू कहाँ घुसा चला आ रहा है हमारे मुंह के अंदर? मैडम, माय ब्रदर पीटर इज मिसिंग। मैडम, मैं और मेरा ब्रदर पीटर कल अमेरिका से इधर इंडिया में आया, रात को माय ब्रदर वेंट फॉर साइकिलिंग, अभी तक लौट के नहीं आया, संडे रोज आएगा। वैसे व्हाट इज योर नेम? जी, माय नेम पीटर्स ब्रदर रिपीटर। अच्छा, तो फिर तुम्हारे डैडी का नाम क्या है? चीटर। मैडम, आप भी ना एक नंबर की बोली है। No. Hey, my repeater, my brother Peter, my father Jupiter, and my grandfather Cheater. Grandfather Cheater. My mother was Indian, father American. Sunday Rose Ainga. ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मिस चौटाला, ये सब क्या हो रहा है? मैंने सुना है कि शहर में से फिर कोई विदेशी गायब हो गया। आप नहीं जानती हैं कि मेरे सर के ऊपर कितना प्रेशर है, कितना प्रेशर। सर, मैं तो खुद हैरान हूँ कि कैसे हो गया यो, फिर से एक विदेशी गायब हो गया, कोई पीटर नाम का। माय ब्रदर पीटर। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इलाज चाहिए, इलाज। हाँ तो वो तो जीजू, मैं कितने सालों से आपको बार बार एक ही बात दोहरा दोहरा के कह रहा हूँ कि आपको इलाज की सख्त जरूरत है, वो भी दिमागी। Get up! सर आप टेंशन ना लीजिए, यो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट ना बल्कि हिंदुस्तान की इज्जत सम्मान की बात भी हो रखी है। मैं किसी भी हालत में यो पता लगा के रहूंगी कि आखिर यो लोग कौन है जो इन विदेशियों ने गायब कर रहे से, और यो ज्वालामुखी का वादा से है।
अबे किसकी हिम्मत हुई टेप बंद करने की? उसका मैं खचर पचर कर दूंगा। मेरे फसा। मैंने बंद किया है, अब करके दिखा मेरा खचर पचर। क्या है जीजू? कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारे पास आ रहा था। ऐसे आते हैं? Well, मत करो आपस में झगड़ा इज्दा, मेरी एक गर्लफ्रेंड का भाई था बहुत तगड़ा इज्दा। ओहो इंग्लैंड निवासी हो, अब क्या हो गया जो सुबह सुबह चौकी आ गए? और यार आ ही रहे थे तो सामने की दुकान से 20-30 समोसे ही ले आते। What? Well, bro, what is the problem is the Delhi में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the problem हुआ ये है my dear friend हुआ that Pattu not agreed हुआ for marriage हुआ with my daughter हुआ memo हुआ son singh संग हुआ। अरे कॉल डाउन वा। देखो मिस्टर वा, माय सिस्टर सेड वा आई गुस्से में मैड वा डैडी डिंग डोंग वा। नहीं नहीं मैं समझ रहा हूँ तुम लोगों का दर्द, मैं समझ सकता हूँ भाई। जिस बाप की बेटी की हथेली अब तक ना हो पाई हो पीली और ना हुई हो उसकी जिम्मेदारी ढीली, तो उसका तो यही हाल होगा ना। हुई 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 हुई। और जिस भाई की बहन की मांग अब तक ना भर पाई हो, वो तो खुद भरा बैठा होगा ना। भरा बैठा है ना, राइट बा? हाँ हाँ, वैसे कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जिनकी बहनों की मांग तो भर गई होती है लेकिन उनका रिश्ता एक गलत आदमी के साथ जुड़ गया होता है। मैं समझ रहा हूँ तेरा इशारा। तो यू टेल वा कि हम वाट करवा सन सिंह संगवा डैडी डिंग डोंग वा। वेल, क्या तुमने अपनी मेम बहन से बंधवाई थी कभी राखी इज्दा? सच सच कहना, खाके कसम अपनी माँ की इज्दा। अरे अरे यस यस, एवरी ईयर वा राखी बंधवा डैडी डिंग डोंग वा। तो कसम है तुझे उन पवित्र धागों की जो तेरी बहन ने अपने हाथों से तेरी कलाई पे बांधे थे और तूने उसकी खुशियों का ख्याल रखने का दिया था वचन इज्दा। जा जाके बदला ले, क्या सुनता रहेगा तू मेरा प्रवचन इज्दा? यू टेलिंग करेक्ट वा। अब हम उसको बीट वा, जम के पीट वा डैडी डिंग डोंग वा। डैडी लेट्स गो वा। ओ हेलो मैडम। ओ अंदर आने से पहले पूछ लेते हैं, नाना नानी पार्क नहीं है कभी भी? हाँ भाई, किसने सूद दिया तेने? एक बात तो सह भैया कि जिस किसी ने भी उधेड़ा है तेने, कते तबीयत से उधेड़ा है। वेल ब्रो, किसने तुमको पीटा इज्दा? खून से खत लिखती थी रीटा इज्दा। भैया वो टमाटर की चटनी थी। एक्सक्यूज मी मैंने मुझे वो मैम है ना, उसके भाई और उसके बाप ने पीटा है, जमीन पे घसीटा है आंसू से। मैंने बाद में मेरे को पता चला कि वो सजेशन है ना आपके ये दोनों हवलदारों ने उसको दिया था आंसू से। क्यों बोल रहा है गोपी मामा? बिल्लू मामा सच बोल रहा है यो? हाँ बोल रहा है। हाय हाय। ओ क्या हुआ कि बेटा, हम थोड़ा सा ना भावनाओं में बह गए थे तो नहीं कते शरम आनी चाहिए आप दोनों ने। Why? है? ये जो इतने घटिया आइडिया देते फिर रहे हैं ना लोगों ने, खुद कानून के रक्षक होके लोगों ने यो बताते फिर रहे हैं कि कानून को हाथ में ले लो। Yes! माँ कसम मारी मम्मी कैसे झेलती थी आप दोनों ने। आ, ये तो बेटा हम भी सोचते हैं कभी कभी। सॉरी तो वो दोनों बोलेंगे बाप बेटे जिन्होंने कानून को हाथ में लेने की जरूरत की है। ये चौकी। Excuse me. अंग्रेज। मैडम, मैं पीटर के भाई रिपीटर। मैडम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ, कुछ पता चला? मेरे भाई का कुछ पता चला? संडे रोज आएगा मैडम, मुझे बहुत वरी हो रहा है, अमेरिका जाने का हरी हो रहा है, संडे रोज आएगा। भाई तू कतई टेंशन ना ले और टेंशन ना दे, पुलिस कते एक्टिव हो रखी है और थारा भाई कहाँ है किधर कैद है वो हम पता लगा लेंगे, ठीक है? और पप्पू और मालपुआ गए हैं और फिलहाल जरा मैं इसका केस निपटा लूं, चलो इंग्लैंड। ए मैडम, आप लोग इंग्लैंड जा रहे हैं? बेटा ये दूसरा इंग्लैंड हो रहा है, तू अपने अमेरिका की सोच ले। संडे रोज आएगा, चलो।
अरे रात के खाने में का ईटिंग बा, पूरी ईटिंग बा। फिर तुम्हारे अब्बा ठू सिंह बा। अरे मैडम वा व्हाई यू बीटिंग वा माय बेटवा सन सिंह संग वा। मैडम मैडम डोंट बीट बा डोंट पीट बा डैडी डिंग डोंग बा। हिम्मत कैसे भी कानून को हाथ में लेने की, आज तो मैं तुम दोनों को अपनी जीप के पीछे घसीटते हुए लेके जाऊंगी। मैडम वा मैडम वा डोंट वा मैडम वा डोंट वा मैडम वा एल फॉर लव वा एच फॉर हार्ट वा इश मैडम वा माय फादर वा माय ब्रदर वा जो किए वा फॉर माय सेक वा मैडम वा एल फॉर लव वा एच फॉर हार्ट वा इश। वेल बेबी व्हाट यू से इज द इन लोगों ने क्यों किया ये इज द क्योंकि दद्दू वो पट्टू वा हमसे नॉट मैरिज वा सीधा इनकार करे वा एल फॉर लव वा एच फॉर हार्ट वा इश। अरे मैडम वा माय डॉटर वा ट्राई सुसाइड वा सन सिंह ए सॉन्ग वा डैडी कोल डाउन बा मैडम मैडम यू टेल बा कैसे हम देख सकत बा माय फूल सी सिस्टर बा डूइंग सुसाइड बा बिकॉज ऑफ दैट पट्टू बा। करेक्ट ये तो बनी बात है कि मतलब कि अगर किसी की वजह से किसी की बहन अपनी जान देने पे उतारू हो जाए तो भाई फिर बाप भाई की आंखों में खून तो उतर आएगा ना। या पट्टू ने तोड़ा है इस लड़की का दिल इज्दा हसीना है अगर गुड़ है तो मैं हूँ तिल इज्दा। तिल के लड्डुओं की दुकान खोल लीजिए भैया आप। वेल देख भाई मैम हमारी तरफ देख देख और सच सच बोल कि तू क्या सच में उससे प्रेम करे से फट्टू से और उसको अपना जीवन साथी मान लिया तेने। यस बा यस बा मैडम बा एल फॉर लव बा एच फॉर हार्ट बा इश। मैडम बा अब अगर मैरिज बा तो बस विद फट्टू बा वरना सुसाइड बा। बस इब तो उस पट्टू के दिमाग से यो विदेशी भूत उतार नहीं पड़ेगा। नहीं तो मारा नाम भी ज्वालामुखी चौटाला ना से थारी शादी अब उसके साथ होके रहेगी। थैंक यू बा मैडम बा।